विश्वास के साथ आप इस बार सोच समझ कर दिल से मत का प्रयोग करेंगे और अपने विश्वास के साथ विश्वास मिला के दिल से सोच कर इस बार सिवान को 5 साल के लिए देना है तो विश्वास के साथ दीजिएगा। जो आपके दिल में है, जो जमता है कि हाँ ये मेरा सेवा कर सकता है, मैं कहूंगी दलों को आपने देखा है, एक बार निर्दल को देखिए। मैडम आपने कहा था कि जिस पार्टी को छोड़ दी उस पार्टी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 110%। तो क्या इशारों में कुछ? कोई इशारा नहीं है, मैं सिवान की हूँ, सिवान की बन के रहना चाहती हूँ, सिवान की सेवा। पुराने विकास फिर होंगे, जितने पुराने नए सारे होंगे। के लिए हूँ, सिवान के लिए रहूंगी, सिवान के से सेवा करते करते जाऊंगी। ये मेरा प्रण है कि मैं सिवान के लिए तन मन धन निछावर हूँ मेरे लिए। और सबसे पहली बात कि शाहबुद्दीन साहब को खौफ का माहौल नहीं कहा जाए, शाहबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा जाए, जो उन्होंने काम किया है। ना पहले कोई इससे पहले एमपी किया था, ना आने वाले दिन में किसी ने किया है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2005 में, उन्होंने ये उपाधि दी थी विकास का, जो उन्होंने किया था, करके दिखाया था 100%। ना वहाँ कोई दलाल था, ना कोई परसेंटेज खाने वाला था, ना कोई लेने देने वाला था, टाइम टू टाइम हर काम हुआ है। लालू से ये संविधान को बचाने के लिए, देश को मजबूती देने के लिए मैंने स्थानीय जो समस्या है उसके निदान के लिए, विकास करने के लिए मैंने वोट किया है। और मैं समझता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म से उजाड़ रहे हैं और इंडिया जो महागठबंधन है इस बार उसकी सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि चौथे चरण के चुनाव तक नरेंद्र मोदी के हवा निकल गया है। तो इस बार सरकार बनने जा रही है एनडीए के न बन करके इंडिया गठबंधन के, और हम तमाम लोग समस्याओं के निदान करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बचाएंगे। जी बताइए, आज यहाँ पर आपने मतदान किया है, क्या कुछ कहेंगे? अपना तो वोट दे के बहुत बहुत खुशी बा, और यहाँ तो बहुत माने शांतिपूर्वक से बहुत पहले से वोट अच्छा से गिरेला, कोनो चीज़ के दिक्कत नहीं के कोई भी। यहाँ तो बहुत सारा बाकी लोग वोट अपन देवे करी। जिला प्रशासन द्वारा किस तरह यहाँ पे व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ।